ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बिहार पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी बिहार पुलिस के सामने खड़ी हो गई है। बिहार पुलिस अभी बड़े अपराधियों को पकड़ने में लगी ही थी कि अब छोटे यानी नाबालिग अपराधियों ने बिहार पुलिस की नाक में दम कर दिया है। बिहार में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों के मुताबिक बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले ज्यादातर अपराधी नाबालिग हैं। अब हम आपको हाल के ही दिनों में हुए उन अपराधों के बारे में बता देते हैं जिन्हें नाबालिगों ने अंजाम दिया है। देश की सबसे बड़ी सोने की लूट। हाजीपुर में हुई देश की शायद सबसे बड़ी सोने की लूट में एक नाबालिग की पहचान हुई है। इस लूट से ठीक 10 महीने पहले बिहार के ही मुजफ्फरपुर में भी 32 किलो सोने की लूट हुई। लूट का तरीका भी बिल्कुल यही था, मगर तब भी पुलिस लुटेरों को नहीं पकड़ पाई थी। बाद में बड़ी मुश्किल से एक लुटेरा हाथ आया जो नाबालिग था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। दानापुर अदालत परिसर में हत्या। दानापुर अदालत परिसर में 10 अगस्त को बड़ी घटना हुई थी। इसमें एक कैदी को भगाने के लिए सिपाही प्रभाकर राज की हत्या कर दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि कैदी को भगाने के लिए अदालत में हथियार लेकर पहुंचा शख्स कोई कुख्यात नहीं बल्कि 14 साल का नाबालिग था। बाद में इस नाबालिग बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सुधार गृह से बाहर आए और बैंक लूट लिया। साल 2019 में ही शिवहर में हुए बैंक लूट में नाबालिगों की संलिप्तता की बात सामने आई। हैरत की बात यह है कि ये चार नाबालिग पहले से ही अपराध में शामिल होने की वजह से सुधार गृह में रह रहे थे। नियम के मुताबिक इन्हें बीच बीच में घर वालों से मिलने के लिए छुट्टी दी जाती थी। इस छुट्टी के दौरान जब ये चार नाबालिग बाहर आए तो इन्होंने मिलकर शिवहर में यूको बैंक की एक शाखा लूट ली। 32,33,000 की इस बड़ी लूट में चारों नाबालिग शामिल थे। अपराधियों का नाम सुनते ही आमतौर पर कुख्यातों के चेहरे सामने आ जाते हैं, लेकिन मासूम दिखने वाले ये नाबालिग अपराध के मामले में बड़े अपराधियों के भी उस्ताद साबित हो रहे हैं। नाबालिग बदमाशों को लेकर बिहार पुलिस की पड़ताल चौंकाने वाली है। पूरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन अब तक जो घटनाएं और उनसे जुड़े तथ्य सामने आए हैं उससे पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। कई मामले ऐसे भी देखे गए कि कई बालिग गुनहगारों ने जुर्म की सजा मिलने से बचने के लिए अपने नाबालिग होने के झूठे साक्ष्य पेश किए। ऐसे में अब CID के आदेश पर इनके उम्र को लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है ताकि ये पता चल सके कि वाकई ये नाबालिग हैं या फिर बालिग। लेकिन बिहार पुलिस और सरकार के लिए ये वाकई चिंता की बात है कि नाबालिगों का इस तरह गंभीर अपराधों में शामिल होना कहीं ना कहीं खराब होते माहौल की तरफ भी इशारा करता है।